सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य थे वे शब्द प्रमाण को मानते थे, परंतु भगवान बुद्ध शब्द प्रमाण को नहीं मानते थे। दोनों में कौन सही? भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाते हैं और शंकराचार्य शिव के अवतार माने जाते हैं। दोनों ही उच्च स्तर के विद्वान और ज्ञानी रहे हैं। तो अब इसमें यह एक बहुत कठिन विषय है, ये बहुत कठिन जिज्ञासा है कि दोनों में कौन सही है। तो हम दोनों के जो उपदेश हैं और इस पर विचार हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ और निर्णय अपने आप ही हो जाएगा कि क्या सही है। तो पहले भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध प्रत्यक्ष को और अनुमान को प्रमाण मानते थे। अनुमान का मतलब हो गया कि जो प्रत्यक्ष ही जो ज्ञान हुआ है उसी के हिसाब से मन बुद्धि से कोई एक सटीक निष्कर्ष निकाल लेना कि यह हो सकता है, यानी वह भी जो है एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही आधारित है अनुमान भी। जो तथ्य हैं वे हमारे इंद्रियों के द्वारा महसूस किए जाते हैं और ये चूंकि सदैव बदलते रहते हैं इसीलिए वास्तव में ये प्रमाण नहीं हो पाते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। फिर जो एक केंद्रीय है वो जरूरी नहीं है कि वही दूसरे केंद्रीय की भी क्षमता हो, और हमारी इंद्रियां जितनी महसूस करती हैं कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्राणियों की इंद्रियां वैसी ही महसूस करती हों, और मनुष्य में भी इंद्रियों का शिथिलीकरण देखा जाता है। तो इसलिए अब जैसे एक बच्चा जितनी उसकी इंद्रियां सक्रिय हैं और हर चीज़ को अनुभूत कर रही हैं जितने अच्छे तरीके से, उतना ही अच्छे तरीके से वृद्ध का नहीं होता। और फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण किया है इंद्रिय के द्वारा और फिर आपके द्वारा दो प्रत्यक्षीकरण जो है इसका दिमाग में इसका संस्कार बना हुआ है उसका ओवरलैपिंग हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, ये व्यक्तिगत भ्रांति हो जाती है। माध्यम जैसे कि रस्सी है तो वो सांप जैसा महसूस हो जाता है, रस्सी भी आपने देखी है सांप भी आपने देखा है, ये दोनों इमेज जो है वो मिल गए और एक भ्रम पैदा कर दिया। इस तरह के भ्रम होते रहते हैं तो इनको उस तरह से पूरा प्रमाण तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन जितने भी प्रमाण हैं ये तो किसी न किसी संदर्भ में किसी न किसी काल तक के लिए तो प्रमाण माना ही जाता है, क्योंकि वहाँ ओवरलैपिंग भी जो हुई है तो कहीं ना कहीं हमने सांप भी देखा है रस्सी भी देखी है, इसी के कारण ऐसा हुआ कि सांप में रस्सी को देख लेना रस्सी में सांप को देख लेना।
अब इसके बाद जो प्रज्ञा ज्ञान है, जो इन इंद्रियों से जाकर के अतीत होकर के जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया क्योंकि वह अबाधित है और वहाँ पर स्वरूप परिवर्तन नहीं है, जिसको भगवान बुद्ध ने निर्वाण की बात कही, शंकराचार्य ने मोक्ष कहा। तो शंकराचार्य एक नित्य ब्रह्म की बात करते थे, भगवान बुद्ध भी नित्यता की बात किए, शाश्वत सत्ता की बात वे भी किए। निराकार तत्व की बात वे भी किए। अब बात उठती है जो प्रश्न यहाँ पर है, शब्द प्रमाण का। शब्द प्रमाण का मतलब हो गया कि जो कुछ कहा गया है शास्त्रों में तो उनको ही प्रमाण मान लेना। जैसे कि वेद और उपनिषद को और गीता को प्रमाण मान लेना, क्योंकि वेद जो हैं ये माना जाता है कि भगवान के निश्वास से उत्पन्न हुए हैं। गीता के विषय में यह है कि भगवान के मुख से ये बात आई है, इसलिए उस पर विश्वास कर लेना, उसको मान लेना कि ये भी प्रमाण है, ये उसमें सत्य ही है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, किसी ने भी क्यों ना लिखा हो, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता है, उसमें दोष और त्रुटियां हो सकती हैं, उस पर प्रश्न उठाए जाने चाहिए। तो एक अर्थ में इनकी बात भी सही है, प्रश्न उठाए जाने चाहिए, और प्रश्न उठाने के बाद भी यदि सही सिद्ध हो जाता है तो उसको माना जा सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने विषय में भी कहा था कि मेरी भी बात पर को ऐसे ही मत मान लेना, उस पर जो है तुम प्रश्न उठाना। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि प्रश्न कौन उठाएगा, उठाने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कैसे करे, हर एक के पास इतनी विलक्षण बुद्धि नहीं होती है कि प्रमाण को टेस्ट करने के लिए प्रश्न खड़े करे। तो हर व्यक्ति विलक्षण नहीं होता है, तो जो व्यक्ति इतना विलक्षण नहीं है, जो इतना फिलोसफर नहीं है, वह कैसे प्रमाण मानेगा, उसके लिए भी आपको कौन सा आधार होगा। तो वह आधार शंकराचार्य देते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो है शब्द प्रमाण है, जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वे प्रमाण है, और जो साधु संतों ने, जो सिद्ध पुरुष हैं, उन लोगों ने जो शब्द कहे हैं वे प्रमाण हैं। बुद्ध नहीं मानते किसी का प्रमाण इन बातों को, यहाँ तक कि वे अपनी बातों को भी नहीं मानते। परंतु जब वे अपनी बातों को नहीं मानते प्रमाण, तो उनकी इस बात को भी क्यों माना जाए, एक प्रश्न उठता है। और बौद्धों के भी तो ग्रंथ हुए हैं, तो बौद्ध ग्रंथ को ही भी क्यों प्रमाण माना जाए, जो प्रश्न उठा सकते वे क्यों प्रमाण माने, या जो प्रश्न उठा भी सकते हैं तो उनके दिमाग में भी संशय पैदा हो सकता है, फिर वे क्यों माने, तो फिर वे अनुवायी क्यों बने। तो जो बौद्ध के संप्रदाय के अनुवायी हैं तो उन्हें बौद्ध ग्रंथ को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, फिर वे उस पर अनावश्यक जिरह करने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। तर्कपूर्ण ढंग से यदि कोई चीज़ गलत सिद्ध हो जाती है तो क्या वे उस बौद्ध संप्रदाय को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो बुद्ध के हिसाब से तो उन्हें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्ध इस बात को कहते थे। लेकिन बुद्ध ने जो बात कही है कि मेरी बात को भी प्रमाण मत मानना, उसको भी जांचना, तो फिर यह जो वाक्य है मेरी बात को भी प्रमाण मत मानना, तो फिर उनकी इस बात को क्यों माना जाए कि जांचा जाए,
क्योंकि यही यह भी तो एक प्रमाण हो गया कि मेरी बात को मानो और जांच करो, मेरी बात की जांच करो, यह भी तो एक प्रमाण हो गया। शुद्ध प्रमाण तो यही हुआ कि उनकी इस बात को मान लिया गया। तो शब्द प्रमाण तो वहाँ भी भले ही वह शब्द एक ही वाक्य का क्यों न हो, प्रमाण के रूप में तो सिद्ध हो जाता है। पूरा उनका साहित्य जो है भले उनके हिसाब से ही प्रमाण ना हो, लेकिन उनका यह वाक्य तो प्रमाण हो ही जाता है कि मेरी बात को भी मत मानना बिना जांचे हुए। तो इस शब्द प्रमाण पर जो भरोसा करेगा वही फिर जांच भी तो करेगा, वही प्रश्न भी तो उठाएगा। तो इस तरह से शब्द प्रमाण यहाँ पर सिद्ध हो जाता है बुद्ध के भी संदर्भ में। और जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने वेद पर, उपनिषद पर और भगवद गीता पर यह बात बताई है कि ये शब्द प्रमाण है, यानी जो हमारे अवतारों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने कहे हैं वे प्रमाण हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि आंख बंद करके ही आप इसको मान लें, उन्होंने भी कहा कि आप जांच करें, आप अपने बुद्धि से परखें, यदि आपके पास बुद्धि है वैसी तो, लेकिन यदि नहीं है तो ये जो आर्ष ग्रंथ हैं सामान्य जन के लिए ये प्रमाण ही हैं, क्योंकि सामान्य जन उन आर्ष ग्रंथों को परख नहीं सकता, उसके पास उतनी दार्शनिकता नहीं होती है, उतनी साधना नहीं है, उतनी विलक्षणता नहीं है, उतनी पहुंच नहीं है, तो उनके लिए प्रमाण है। तो शब्द तो प्रमाण एक तरह से सिद्ध हो ही जाते हैं, क्योंकि जो इस बात का वो इनकार भी कर रहा है तो उसका वह जो इनकार है वह भी एक वाक्य है, उस पर भरोसा कर किया गया तभी तो जांचा गया, और इस अर्थ में वह शब्द भी प्रमाण सिद्ध हो जाता है। तो इस विषय में मैं नहीं कहूँगा, और बाकी आप स्वयं भी जांच सकते हैं। ओम। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही है, भगवान बुद्ध भी सही है, और वो और दोनों एक ही बात कह रहे हैं। शंकराचार्य भी जांचने की भी बात कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि यह प्रमाण है, और बुद्ध भी जांचने की ही बात कर रहे हैं लेकिन यह कहते हुए कि यह प्रमाण नहीं है। लेकिन उनकी यह जो बात है कि इसको जांचो, यह अपने आप में ही जांचने का आदेश देना, यह भी तो एक प्रमाण हो गया। इस प्रमाण पर करना तो अर्थ अंततः यही निष्कर्ष हुआ कि सद प्रमाण है। तो यह जो अस्तित्व है इसमें शब्द तो गूंज रहे हैं, शब्दों का महत्व है, मंत्रों का महत्व है, ध्वनियों का महत्व है। तो ध्वनि तो महसूस होती ही है, तो चाहे वो लिखित ध्वनि हो चाहे उच्चारित ध्वनि हो, ये ध्वनियाँ अपने आप में प्रमाण सिद्ध हो जाती हैं प्रत्यक्ष होने की वजह से भी, और उसका अर्थ भी अगर किया जाए उस संदर्भ में भी हाँ, लेकिन वह जो शब्द ध्वनि है वह अर्थ के संदर्भ में और इस अस्तित्व की व्याख्या के संदर्भ में उस समय ही प्रमाण है जब वह आर्ष ग्रंथ का हो या आर्ष ऋषियों के द्वारा हो, सिद्ध संतों के द्वारा हो, तब प्रमाण। ओम।